नमस्कार साथियों, आज हम लोग व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे और छात्रों को प्रायः व्यवहारवाद और व्यवहारवादी दृष्टिकोण और व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके तमाम शब्दों से परिचित होना पड़ता है और उसका प्रयोग भी करना पड़ता है। और कभी कभी इसमें बड़ी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आखिरकार ये व्यवहारवाद होता क्या है, बिहेवियरलिज्म होता क्या है, क्यों इसमें इसका उद्भव हुआ, व्यवहारवाद किसने इसका प्रतिपादन किया, कौन इसका जनक था और ऐसी क्या खास बात है व्यवहारवाद में कि उसके बारे में इतनी चर्चाएं होती रहती हैं। क्या इसका कोई पॉलिटिकल साइंस में बहुत योगदान रहा है, और अगर ऐसा रहा है तो क्यों ये इतना शॉर्ट लिव्ड क्यों रहा जिसको कि हम व्यवहारवाद कहते हैं, और इसका स्थान बाद में कालांतर में उत्तर व्यवहारवाद ने क्यों ले लिया। तो इन सब बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज हम लोग रूबरू हैं और इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा के लिए आज का ये वीडियो है। देखिए, व्यवहारवाद वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक डेवलपमेंट है, एक मूवमेंट के रूप में, एक रेवोल्यूशन के रूप में, उसको कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि व्यवहारवाद के जो मानने वाले थे वो भी व्यवहारवाद क्या है इसके बारे में कोई एक निश्चित मत नहीं रखते थे कि व्यवहारवाद है क्या चीज़। कोई इसको दृष्टिकोण कहे, कोई सिद्धांत कहे, कोई उपागम कहे, कोई रेवोल्यूशन कहे, कोई कुछ कहे, तो बहुत सारे नामों से इसको परिभाषित किया गया है, इसलिए उसके विवाद में तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवहारवाद इसका उद्भव कैसे हुआ और ये वास्तव में क्या कहता क्या है। देखिए, बेसिकली प्लेटो के समय से जो राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन का जो दृष्टिकोण चला रहा था वो दृष्टिकोण ये था कि भाई एक दार्शनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा था। अर्थात जैसे प्लेटो है, मॉन्टेस्क्यू है, लॉक है, बर्क है, इन तमाम लोगों ने एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके हमको ये समझाने का प्रयास किया है कि राजनीतिक समस्याएं क्या हैं और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इन विश्व युद्धों के बाद जो समस्याओं के स्वरूप थे वो बड़े विकराल हो गए, और वास्तव में उन समस्याओं का स्वरूप इतना आपस में उलझ गया कि उस पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के जो राजनीतिक विज्ञान शास्त्री थे या पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन खास तौर से जिसने उसमें नेतृत्व लिया, उसका ये मानना था कि अब जो गंभीर समस्याएं युद्धोपरांत पैदा हुई हैं पूरे विश्व में और अमेरिका में भी, उन समस्याओं को ठीक से समझने की आवश्यकता है। उनके बारे में केवल हम एक कोई दृष्टिकोण अपना या कोई ओपिनियनेटेड कोई राय नहीं दे सकते हैं, हमें वास्तव में उसकी वस्तुनिष्ठ जानकारी चाहिए कि वो समस्या का स्वरूप क्या है, क्या उसकी समस्या की बारीकियां हैं। और इसलिए जो प्लेटो के समय से जो पॉलिटिकल थ्योरी थी जिसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था, जिस पॉलिटिकल साइंस में एक दार्शनिक दृष्टिकोण का बाहुल्य था या प्राधान्य था कि दार्शनिक दृष्टिकोण से ही समस्याओं को समझा जाता था और उसके समाधान दिए जाते थे, उन्होंने कहा कि अब वो पैटर्न ऑफ स्टडी काम नहीं करेगा, अब हमें वास्तव में ऐसे पैटर्न पर जाना होगा जहाँ पे कि तथ्य परक, तथ्यों की बारीकी से जांच पड़ताल करके हम कोई अपना निष्कर्ष व्यक्त करें कि समस्या का स्वरूप क्या है। और इस प्रकार से जो परंपरागत रूप से चला आ रहा था अध्ययन का तरीका, उसको दरकिनार करके, जिसको कि हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसको दरकिनार करके और एक प्रकार से एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी नए दृष्टिकोण का नाम व्यवहारवाद था या बिहेवियरलिज्म था, जो कि किसी भी अनुमान या धारणा को, अर्थात स्पेकुलेशन को और ओपिनियन को रिजेक्ट करता था इस आधार पर कि वो तथ्यपरक नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। और ये जो व्यवहारवाद शुरू हुआ उसने दो तीन विशेष चीज़ों पे ध्यान दिया। पहला कि इसने अपनी मेथडोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया कि पद्धति, अध्ययन की जो हमारी पद्धति होगी वो क्या होगी। उसने कहा कि अध्ययन की हमारी पद्धति जो है, जो भी हम आकलन करेंगे वो तथ्यों पे आधारित होना चाहिए, पहली चीज़ तो यही है, वो मूल्यपरक नहीं होना चाहिए, अर्थात हम ऐसा सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप ये बताइए कि तथ्य क्या कहता है, लेट द फैक्ट्स स्पीक, ये इस व्यवहारवाद की विशेष बात थी। तो
और अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इन तथ्यों को एकत्रित कैसे किया जाए। तो इसलिए एक एम्पिरिकल मेथड का जन्म हुआ, अर्थात आनुभाविक अध्ययन का जन्म हुआ, जो कि अध्ययन अनुभव के आधार पर, अर्थात जो चीज़ घट चुकी है उस घटना के अनुभव से हम रूबरू होके ही अपने फैक्ट्स को प्राप्त करेंगे। फैक्टों को ए प्रायोरी विजुअलाइज नहीं करेंगे, पोस्ट प्रायोरी विजुअलाइज करेंगे, अर्थात जब घटनाएँ घट जाती हैं उनके अध्ययनों के आधार पर सही तथ्यों को पकड़ के तब हम एक निष्कर्ष पे ड्रॉ करेंगे। तो पहली चीज तो व्यवहारवाद में जो जिस चीज ने जन्म लिया वो ये लिया कि एम्पिरिसिज्म ने जन्म लिया, आनुभाविक अध्ययन ने जन्म लिया। और ये जो अनुभाविक अध्ययन थे इनके बारे में एक एक वैज्ञानिक एक पॉजिटिव अप्रोच पॉजिटिविस्ट अप्रोच रखा गया, साइंटिफिक अप्रोच रखा गया, और ये कहा गया कि भाई ये अध्ययन जो हम करेंगे तथ्यों को एकत्र करने का, ये किसी नॉन साइंटिफिक वे से हम नहीं करेंगे, इसके लिए हमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहली चीज़ हम अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, तथ्य प्राप्त करेंगे, और ये तथ्य हमें वैज्ञानिक विधियों से कलेक्ट करना होगा। तो एम्पिरिसिज्म and scientific methods, they were the two fundamental pillars of behaviorism. ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो व्यवहारवाद में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें अध्ययन का यूनिट इंडिविजुअल को बनाया गया, अर्थात हम एक एक इंडिविजुअल का रिस्पांस लेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम कुछ किसी ग्रुप से जाके मिल लें और बस अपनी धारणा बना लें, नहीं, हम इंडिविजुअल से मिलेंगे और इंडिविजुअल के लेवल पे हम अपने फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे और इंडिविजुअल का जो व्यवहार है, इंडिविजुअल की जो समझ है, इंडिविजुअल की जो ओपिनियन है, उसके आधार पर ही हम कोई निष्कर्ष ड्रॉ करेंगे। हो सकता है कि इंडिविजुअल का व्यवहार ऐसे बहुत सारे कारकों से प्रभावित हो रहा हो जो कि अदृश्य हो, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हों, और हम अपने एम्पिरिकल अध्ययन से, साइंटिफिक मेथड से जो हम एम्पिरिकल अध्ययन करेंगे, आनुभाविक अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर हम तथ्यों का संकलन करेंगे और उन तथ्यों के विश्लेषण से हम बताएंगे कि समस्या का स्वरूप क्या है। और जब समस्या के स्वरूप को हम सब समझेंगे तो एक समस्या की नब्ज हम पकड़ेंगे और जाहिर है तब उसके बाद समाधान प्रस्तावित किए जाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अमेरिका में ही इसकी शुरुआत हुई और शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मरियम जो थे उन्होंने 1920 और 30 के दौरान उन्होंने एक प्रकार से अपना दृष्टिकोण ये प्रतिपादित किया कि हम किसी भी इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर को और ग्रुप्स के भी पॉलिटिकल बिहेवियर को जब हम समझेंगे तभी हम सही ढंग से राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक कहला सकते हैं। तो ये उन्होंने सबसे पहले चार्ल्स मरियम ने इस बात को शुरू किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं या बताते हैं। लेकिन इसमें जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन थी और उसमें डेविड ईस्टन नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इसमें काफ़ी इसको एक सैद्धांतिक फलक दिया, काफ़ी इसको एक एकेडमिक ओरिएंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ एन एकेडमिक रेवोल्यूशन। और ये एकेडमिक रेवोल्यूशन क्या है कि पोस्ट वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस अध्ययन करेगा या उसको करना चाहिए, उसको उसमें एम्पिरिकल मेथड्स का प्रयोग करके, साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करके, डेटा कलेक्ट करके और तब हमको अपने निष्कर्ष ड्रॉ करने चाहिए। तो एक प्रकार से 1930 और 1940 के दशक के अनुभवों से निकला हुआ, उपजा हुआ यह व्यवहारवाद है जो कि डेविड ईस्टन ने इसको एक एकेडमिक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की। और उसमें दो तीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खास बातें हैं कि वो कोई मूल्यों से प्रभावित हो, मूल्यों की इन्होंने उपेक्षा नहीं किया व्यवहारवाद ने, लेकिन मूल्यों को सेकेंडरी माना और प्राइमरी माना जो मेथडोलॉजी थी, जो साइंटिफिक मेथडोलॉजी थी, जो कि व्यवहारवादी ढंग से तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए बनाई गई थी। तो इस प्रकार से अनुमान और धारणा पे कोई निष्कर्ष नहीं होंगे, वास्तव में मूल्य परक होंगे जिसमें कि वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन होगी, वैल्यूज को ओढ़कर हम कोई निष्कर्ष ड्रॉ नहीं करेंगे, हम तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष ड्रॉ करेंगे। पहली चीज़ तो इसमें ये था। इसी के साथ साथ जो डेविड ईस्टन का जो ग्रुप था उसमें जो बहुत सारे और विद्वान थे, जिसमें रॉबर्ट डहल हैं, ग्राहम वालास हैं, हेराल्ड लास्वेल हैं और इस प्रकार से बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने कि व्यवहारवादी अपने आंदोलन में एक प्रकार से शिरकत किया।
व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में प्राय ऐसा पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्या विशेष है व्यवहारवादी आंदोलन में जिसने कि पूरे राजनीतिक विज्ञान को हिला के रख दिया, एकदम उसका परिदृश्य बदल दिया। और ये फैक्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में खासतौर से ये एक प्रकार से मैंडेटरी हो गया कि हम भी अपनी समस्याओं को तथ्यात्मक ढंग से समझने का, धारणात्मक ढंग से नहीं तथ्यात्मक ढंग से समझने का प्रयास करें। और तथ्यात्मक ढंग से समझने का जब हम प्रयास करेंगे तो हमें भी वैज्ञानिक विधियों का, आनुभाविक विधियों का, उसी तरह से व्यवहारवादी तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि डेविड ईस्टर्न ने अमेरिका में प्रतिपादित किया था। और इस तरीके से हम भी अपने वैल्यू न्यूट्रल पोजिशन पर को मेंटेन करेंगे और जो अभी तक वैल्यू ओरिएंटेड हमारा निष्कर्ष हुआ करता था अध्ययन का, उसको हम त्याग देंगे। जो हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण हुआ करता था, अर्थात अंतर्ज्ञान के आधार पे, हमारी अपनी समझ के आधार पे, इंट्यूशन के आधार पे, लॉजिक के आधार पे जो चीज़ें हम बताया करते थे, अब उसकी उतनी महत्ता खत्म हो गई और एक प्रकार से वैज्ञानिक विधियों की महत्ता बढ़ गई। और वैज्ञानिक विधियों की महत्ता बढ़ने के कारण खासतौर से हम देखते हैं कि इसमें विज्ञान में क्या होता है कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में अंतर संबंध स्थापित किए जाते हैं। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी इलेक्टोरल स्टडीज़ को कर रहे हो, क्योंकि खासतौर से जो व्यवहारवादी अध्ययन था उसने इलेक्टोरल स्टडीज़ का फील्ड बहुत स्पेशलाइज ढंग से चयन किया और उसमें उसने दो वेरिएबल्स को लेकर अध्ययन करने का विशेष रूप से प्रयास किया कि एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड है। अर्थात कोई अगर किसी पार्टी को वोट देता है तो मान लीजिए कि वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, अपने एथनिसिटी के आधार पे, किन आधारों पे वो मत देता है उस राजनीतिक दल को, ये अध्ययन करने का एक उन्होंने प्रयास किया। तो बहुत सारे जो मेथड्स थे वो साइकोलॉजी से बोरो किए गए, जिसमें सैम्पलिंग है, इंटरव्यूइंग है, डेटा कलेक्शन है, स्केलिंग है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, बहुत सारी चीजें जो अन्य विषयों में हुआ करती थी वो हमने उसमें बोरो करने की कोशिश की। और पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल एक अप्रोच हुआ करता था कि इट इज ए कंटेम्पलेटिव, मेडिटेटिव, फिलोसॉफिकल, स्पेकुलेटिव, रैशनल, जो एक हमारा मेथड्स था उसमें काफी वो दरकिनार कर दिए गए और सेंट्रैलिटी हो गई साइंटिफिक मेथड्स की। और इस प्रकार से ग्रेटर अटेंशन इन चीजों की तरफ पे कर दिया गया जिससे कि जो हमारे पॉलिसी रिकमेंडेशंस हो उसकी एक वैलिडिटी हो, उसमें एक अहमियत हो कि हाँ भाई ये सारा का सारा जो आप पॉलिसी रिकमेंडेशन पॉलिटिकल साइंटिस्ट कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए, ये वास्तव में इसके पीछे कोई दार्शनिक आधार है। लेकिन ये जरूर हमें ध्यान रख कभी नहीं भूलना चाहिए कि व्यवहारवाद का जो एरा था वो बहुत संक्षिप्त था। हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में व्यवहारवाद को बहुत लंबे समय तक खींचा और आज भी व्यवहारवादी अध्ययनों पर बहुत ज़्यादा बल है, लेकिन स्वयं अमेरिका में व्यवहारवाद 1960 के दशक खत्म होते होते समाप्त हो गया। और जो सबसे इसमें खास बात है वो ये है कि जो इसका जनक था एकेडमिक रूप से, जिसने इसको स्थापित किया व्यवहारवाद को, डेविड ईस्टर्न, स्वयं 1960 के दशक के आते आते स्वयं उन्होंने ही हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि साहब व्यवहारवाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब गैर प्रासंगिक हो गई हैं, इसलिए अब हमें उत्तर व्यवहारवाद की तरफ चलना चाहिए। और इस प्रकार से 1960 के दशक के समाप्त होते होते व्यवहारवाद से स्वयं डेविड ईस्टर्न उत्तर व्यवहारवाद में ट्रांजिट कर गए, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में प्रवेश कर गए। और उसका कारण उन्होंने यही बताया कि जो अब जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं उसके आधार पे केवल तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे निष्कर्ष लेना संभव नहीं हो गया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उसका प्रेसिशन तो होता है, उन अध्ययनों में प्रेसिशन तो होता है लेकिन उसका रेलेवेंस नहीं होता, अर्थात उसका औचित्य नहीं होता। और इसलिए जब तक किसी चीज़ का औचित्य नहीं होगा, राजनीति विज्ञान में लिए गए निर्णयों का जब तक कोई औचित्य नहीं होगा, तब तक वो समाज के लिए लाभकारी नहीं होगा। और इसलिए स्वयं व्यवहारवादी आंदोलन दो दशकों का लगभग आंदोलन रहा, 1950-1960 के दशक में, और इसके बाद से 1960 के दशक के अंत के बाद वो उत्तर व्यवहार में ट्रांजिट कर गया। तो हम लोग आगे चल के किसी अन्य वीडियो में उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसके बावजूद जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण था राजनीति विज्ञान में, उसने राजनीति विज्ञान को दार्शनिकता के साथ साथ एक प्रकार से वैज्ञानिकता भी प्रदान की। और इस प्रकार से अब आज की तारीख में
जो उत्तर व्यवहारवाद का एरा शुरू हुआ 1970 से, और तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये पिछले 50 साल जो उत्तर व्यवहारवाद के रहे हैं इसमें हमें ये एमलगेमेशन दिखाई देता है, जिसमें कि हम दार्शनिक दृष्टिकोण को भी लेकर चलते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी लेकर चलते हैं, और दोनों के एमलगेमेशन से राजनीतिक कोई भी घटनाक्रम का निष्कर्ष ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद के बारे में आप लोग अक्सर पूछते रहते थे, और व्यवहारवाद को और भी पढ़ने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या इसकी खास बातें थी। बहुत सारी जो बातें थी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा करने की कोशिश किया है, और आशा है कि आपको इसमें कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई होगी, और अगले किसी वीडियो में हम लोग फिर उत्तर व्यवहारवाद पर अवश्य चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।